वेलकम बैक माय चैनल। चलिए मैं आज आपको दिखाती हूँ एक रेसिपी जो कि ये ज़्यादातर गांव में बनाते हैं, तो इसे गांव के चूल्हे में ज़्यादातर उसे पकाते हैं और ये बहुत भी टेस्टी भी लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ मछली ले लिया है, आपके पास जो कोई भी मछली है आप ले सकते हैं। उसे धो के हल्दी और नमक डाल के उसे मिला के उसे फ्राई कर लेंगे। तो ये मछली हमारा फ्राई हो चुका है, इसे निकाल लेते हैं। उसके बाद ये मसाला लेंगे, इसे पीस लेंगे। मसाला हमारा रेडी हो गया है, चलिए दूसरा प्रोसेस की ओर। तो यहाँ कुछ केला का पत्ता लेना है हमें और इसे सेक लेना है। ये सेक लेने से ये फटता नहीं है, तो इसलिए इसे हम सेकते हैं। तो देखिए ये सेक लेने के बाद देखिए इसे मोड़ो, ये फटता नहीं है। तो चलिए यहाँ मैंने आलू को काट के रखा था और ये प्याज और ये हरी मिर्च और ये धनिया का पत्ता, ये सबको मैंने काट के पहले से रखा था। और ये देखिए हम ये जो केले के पत्ते के नीचे होता है ना, उसे हम तोड़ लेते हैं, ये रस्सी की तरह काम करेगा, तो ये हमारा बहुत ज़रूरत होगा। तो इसे निकाल के रख देते हैं। तो चलिए यहाँ ये सब एक प्लेट में निकाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ एक चम्मच नमक डालेंगे और यहाँ एक चम्मच हल्दी और ये लाल मिर्च पाउडर और ये जो पेस्ट हमने बना के रखा था उसे डाल देंगे। उसके बाद ये मछली ये सब ले लेंगे, ये सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो चुका है। उसके बाद यहाँ लेंगे सरसों का तेल, कच्चे सरसों का तेल, तो ये डालना बहुत ज़रूरी है, कच्चे सरसों का तेल ही डालें और किसी तेल इसमें नहीं डाला जाता। तो चलिए यहाँ ये केले के पत्ते ले लेते हैं। उसके बाद इसमें ये मिश्रण को डाल देते हैं। चलिए ये सब हो गया, अब ये पत्ता का हम मोड़ लेते हैं। अब इसे अच्छे से फोल्ड कर लेते हैं। तो चारों तरफ से इसको अच्छे से इसे दबा के फोल्ड करना है। ये अच्छे से इसे मोड़ लिया, ये देखिए ये हमारा रस्सी की तरह काम करेगा। तो इसे हम केले के पट्टू बोलते हैं। तो इसे अच्छे से बांध लेंगे दो साइड। तो चलिए ये हो गया। उसके बाद हम गैस ऑन करेंगे और इसके बाद आप तावा कढ़ाई या पैन जो कुछ भी आपके पास हो आप इसमें पका सकते हैं, तो ले लीजिए। उसके बाद इसे ढक्कन दे देंगे। ये देखिए ये 5 मिनट के बाद ये ढक्कन निकालें और ये देखिए ये एक साइड हो गया है, उसे दूसरी साइड उसे पलट लेंगे। तो ये पलट दिया, फिर से उसका ढक्कन लगा देंगे, फिर से उसे 5-10 मिनट के लिए ऐसे ही फिर से पकाते पकाएंगे। ये देखिए लगभग आपको आधा घंटा लग जाएगा। तो ये हो गया है, इसे निकालते हैं, देखते हैं ये कैसे हुआ है। ये देखिए कितनी अच्छे तरीके से ये हो गया है, इसका कलर भी बहुत अच्छा रहा है और उसका जो खुशबू है ना बहुत सुंदर है। तो आप ज़रूर ट्राई करना, जो सब मछली से ये हो सकता है। तो प्लीज़ ये कैसे बना है आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए।